हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत बच्चे के मन में क्वेरी है कि मैम मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करें और अगर हम दे भी रहे हैं तो उसको कैसे दें, मतलब यूज़ कैसे करें मॉक टेस्ट का। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने वाली हूँ कि हमें मॉक टेस्ट कब कब देना है, कैसे कैसे देना है, कितने टाइम में देना है, उसके बाद उसको एनालाइज कैसे करना है। यही तीन पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, तुरंत शेयर कर दीजिए वीडियो को आपके जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर दो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। आज से अप्लाई करेंगे तब जाके ये वो हो पाएगा, अप्लाई हो पाएगा। तो देखिए, तो आज हम इन तीन बातों डिस्कस करने वाले हैं कि हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे मॉक टेस्ट को हम दें, कितने टाइम में हमें देना है मॉक टेस्ट को, और इसको एनालाइज कैसे करना है। मेन चीज ये, आप दे तो देते हो पर उसको एनालाइज नहीं करते हो। तो आज हम ये तीनों बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये है, आज हम बात किसकी करेंगे, मॉक टेस्ट की, प्री लेवल के एग्जाम की, प्री लेवल की डिस्कस करने वाले, कि मेंस की एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैं करने वाला डिस्कस प्री के एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें मॉक टेस्ट कैसे देने हैं और इसके लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है। देखो, मॉक टेस्ट कुछ नहीं, एक तरह का टेस्ट है, आपको एक माहौल क्रिएट होता है। कैसे, जैसा आप एग्ज़ाम में आप मॉक टेस्ट देते हो, सेम एग्ज़ाम देने जाते हो, सेम वही माहौल हमें घर में मिले, इस तरह के लिए हम लोग आपके लिए मॉक टेस्ट को अवेलेबल करते हैं और इसी वजह से हम लोग मॉक टेस्ट देते भी हैं। ठीक है, तो मेन बात समझ आई क्या देना है और देना भी क्या, केवल प्री लेवल के अभी हम डिस्कस करने वाले कैसे देना है। अब देखिए, तो बात करते हैं कि कब, पहली बात करते हैं देना कब है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, जैसे अभी हमें पता है एग्जाम हमारा कब होने वाला है, सभी को पता है, हम मान चलते 30 सितंबर को डेट है, मान लेते हो कि सितंबर लास्ट दे रखा है, 30 सितंबर 2020 को हमारे पास एग्जाम होने वाला है, या अक्टूबर मान लीजिए, 1 अक्टूबर जैसे ही मान के चलिए, मतलब 1 अक्टूबर मान लेते हैं, 1 अक्टूबर हमारी डेट मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, हमारे पास दो कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे, एक तो वो कैटेगरी जो एग्जाम थी जस्ट पहले की है, मतलब 1 सितंबर और एक है 1 सितंबर से पहली वाली। दो कैटेगरीज हमारे पास होंगी, एक होगी एग्जाम से जस्ट एक महीने पहले वाली, मतलब ये जो 1 मंथ है इसमें हमें मॉक टेस्ट अलग टाइप से देने हैं और यहाँ हमें मॉक टेस्ट अलग टाइप से देने हैं। तो इन दोनों कैटेगरी में फ़र्क होता है। तो पहले मैं बताऊंगी आपको, एग्ज़ाम से एक महीने पहले, मतलब आपको 1 सितंबर से एक मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, पहले आज ये समझाना चाहती हूँ कि आज समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये चीज़। तो ध्यान दीजिए कैसे देने हैं, मैंने डिवाइड कर लिया, जैसे 1 अक्टूबर को मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, तो उसे 10 डेज पहले क्या करोगे आप लोग, डेली मॉक टेस्ट दोगे। डेली मॉक टेस्ट आपको देना है, डेली मॉक टेस्ट देना है। जब आपको एग्जाम केवल एक महीना रह जाए तो डेली मॉक टेस्ट देना है, और जब आपके एग्जाम को 10 से पहले दिन वाले, मतलब 1 सितंबर के बाद 10 दिन पहले से आपको अल्टरनेट मॉक टेस्ट देना है, अल्टरनेट देना है। लेकिन देना कौन सा है, जो एग्जाम दे रहे, जैसे कि मान लीजिए आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम देने वाले हो, तो आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट दोगे। अगर आप आरआरबी क्लर्क के एग्जाम देने जा रहे हो तो आप क्लर्क का मॉक टेस्ट दोगे। जो एग्जाम आप देने जा रहे मॉक टेस्ट भी इस एक महीने में, वही मॉक टेस्ट आपको देना है। जिस एग्जाम के क्लर्क की जा रहे हो तो क्लर्क का एग्जाम मॉक टेस्ट देना है, अगर पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो पीओ का एग्जाम देना है, और एग्जैक्टली वही एक देना है आपको। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक महीने से पहले क्या मॉक टेस्ट नहीं देना, देना बिल्कुल है, मॉक टेस्ट रेगुलरली देना है, एक महीने पहले ही मॉक टेस्ट देना है आपको। अब ये मॉक टेस्ट कौन से देना है आपको, यहाँ पे पीओ लेवल के मॉक टेस्ट देने हैं। क्लर्क का मॉक टेस्ट नहीं देंगे आप कभी भी, क्लर्क का मॉक टेस्ट जब देंगे जब आप क्लर्क की तैयारी करने जा रहे हैं केवल बस, वरना आपको हमेशा पीओ के लेवल का मॉक टेस्ट देना है, जिससे कि आपका उस हाईएस्ट लेवल तैयारी हो जाए, एकदम टॉप पॉइंट से तैयारी कर पाओगे तभी आप लोग नीचे लेवल तक एग्जाम में पहुंच पाएंगे। तो आपको पीओ की तैयारी देनी है, और करना कैसे, ऑल्टरनेट में एग्जाम देना है, ऑल्टरनेट में आपको टेस्ट देना है। आज टेस्ट ऐसे कैसे देना है, मान लीजिए आज आप टेस्ट दिया, मान लो आज आपने टेस्ट दिया, आज टेस्ट दिया, कल उसको केवल एनालाइज करोगे, आज टेस्ट दोगे तो कल उसको एनालाइज करोगे, फिर परसों फिर से टेस्ट दोगे, उसके बाद उसको एनालाइज करोगे। ओके, मुझे पता है देखो टेस्ट देने में 1 घंटा लगता है, फिर थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, बहुत टाइम लगता है, और एक दिन में इतना समय देना
आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना भी होता है, बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, तो इतना नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बोला आपको आज टेस्ट दीजिए, कल एनालाइज कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर एनालाइज कीजिए, और एक फिक्स टाइम मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 12 से 1 आपके पास फिक्स है कि भाई इस समय मुझे काम करना है, तो ये फिक्स टाइम है कि 12 से 1 ही आपको टेस्ट देना है, फिर 12 बजे के आसपास बैठना है आपको एनालाइज करने के लिए भी, फिर टेस्ट फिर 12 बजे देंगे, एनालाइज 12 बजे करेंगे। मतलब एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि हाँ भाई मुझे इस समय टेस्ट देना ही है किसी भी कीमत पे, ये आपको फिक्स करना है। तो फर्स्ट चीज़ ये हो गई। तो पहली बात समझ में आ गई होगी आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है। पहले देना है आपको पीओ लेवल का, वो भी अल्टरनेट में, उसके बाद रेगुलर देना है आपको 1 महीने तक। ये आपका सिनेरियो है कि आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है। क्लियर होगी फर्स्ट चीज़। अब बहुत बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि मॉक टेस्ट दे कौन सा, तो आपको पता है बहुत सारी हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, आप कहीं भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपका प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट है, ऑलिव बोर्ड का है, अड्डा 247 का मॉक टेस्ट है, या फिर आप टेस्ट बुक का टेस्ट हुआ, मतलब किसी का भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप खरीद सकते हैं, किसी से भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो टेस्ट वहाँ दे सकते हैं। हर एक टेस्ट आपको मतलब हर एक कोई भी चांस से भी खरीदते हो आप 20 टेस्ट मिलते हैं, चाहे कहीं से भी खरीद लीजिए। ये केवल प्रैक्टिस है आपकी, मतलब एग्जाम का माहौल क्रिएट हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। जो आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत टफ लेवल के भी होते हैं, एग्जाम में इसका केवल 20% ही आएगा। ये जो मॉक टेस्ट होगे ना बहुत टफ देखेंगे आपको, और लेकिन इसका आपको जो मिलेगा आपको एग्जाम में उसका 10% भी नहीं मिलने वाला, इतना इजी पेपर आता है। बस एग्जाम का माहौल जो होता है, प्रेशर जो होता है, उसकी वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हो गई कैसे अटेम्प्ट करना है, दूसरी चीज हो गई कहां से अटेम्प्ट करना है। अब थर्ड चीज हम देखे जा रहे वाले हैं कि मॉक टेस्ट हमने दे दिया, अब उसको हमें एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि यही मेन चीज है, एनालाइज पे ही हम फोकस करना है। मॉक टेस्ट कोई दे सकता है पर प्रॉपरली हर एक बच्चा उसको एनालाइज नहीं करते। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट मान लीजिए 40 नंबर आए, 20 नंबर आए, मान लीजिए टेस्ट देते यार मूड खराब हो गया अब नहीं करना ही काम, तो भाई टीवी देखने चले गए, वेब सीरीज कोई देख ली, नहीं यही आप गलती करते हो। आप टेस्ट देते हो मूड खराब होता है, उसको देखते भी नहीं हो कि हमने टेस्ट दिया है, नहीं, सबसे बड़ी गलती है। हम मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देते कि हमने मार्क्स पच ले, हम मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिले, कि जो गलतियां हम आज कर रहे हैं वो गलतियां हम एग्जाम में नहीं कर पाए, वो गलतियां आप देखते नहीं हो। तो अब मैं सिखाती हूं आपको कि हमें एनालाइज करना कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब एनालाइज का देखिए, एनालाइज हम कैसे करेंगे, एनालाइज हम करने वाले मॉक टेस्ट को। ठीक है, तो पहले बात करती हूँ मैं किसकी, रीजनिंग की बात करती हूँ। रीजनिंग अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो रीजनिंग के मॉक टेस्ट को हम एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, और या फिर पहले बात करती हूँ किसी भी मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करते हैं। जब भी आप कोई टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है करेक्ट, आप सही करके आते हो जो हम सही किए। एक होता है आपने क्या किया, स्किप कर दिया, एक स्किप वाला पोर्शन होता है, और एक होता है आपका रॉन्ग कर दिया आपने, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये 3 टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जब भी मॉक टेस्ट को सबमिट करोगे तो आपको 3 चीज़ होंगी, एक आपने सही कौन कौन से किए, एक आपने स्किप कौन कौन से किए, और एक आप रॉन्ग कौन से किए। तो बात करते पर रॉन्ग करने वाली, रॉन्ग कोई सवाल क्यों होता है, या तो आपको आता नहीं है, या फिर कोई सिली मिस्टेक होती है। ठीक है, अगर आपकी सिली मिस्टेक हुई है उसको देखिए कि कहाँ पे सिली मिस्टेक हुई है, और उसको अगली बार से उसको अटेंशन रखिए कि हाँ भाई अगली बार से ये मिस्टेक ना हो, एटलीस्ट इतना ध्यान रखना आपको। अगर आपको नहीं आता तो इस टॉपिक को पढ़िए, इस टॉपिक को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और उसको अगली बार सही करने की ट्राई कीजिए। तो इसको आपको वापस टॉपिक पढ़ना है। इतना डिटेल में मैं समझा रही हूँ जितना आपको कोई नहीं समझाया कि कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। अगर आपने कोई चीज़ स्किप करी है, स्किप करने के 2 ही चीज़ें होती है, या तो आपके पास टाइम नहीं था कि आपने स्किप कर दिया, या फिर आपको आता नहीं था, या फिर लेंदी था। 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा टाइम ही नहीं होता भाई कैसे अटेम्प्ट करते हैं, स्किप हो गया। दूसरा क्या, हमें आता ही नहीं है, और जैसे लेंदी है। अगर टाइम की दिक्कत है तो आप ये देखिए भाई, आपने
दूसरी जगह कहाँ टाइम देती है बेटा, जो मॉक टेस्ट होता है सेट किया जाता है वो प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। अगर आपको टाइम नहीं मिला इसका मतलब आपने किसी और क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाया, तो आपको एनालाइज करना है कि आपने इसको देने का टाइम कहाँ पे यूज कर दिया। ये चीज आपकी बहुत काम आने वाली है, टाइम को देखना। जब भी मॉक टेस्ट सबमिट करते हो हर एक मॉक टेस्ट क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है कि आपने इस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है, तो आपको देखिए कहाँ आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो उसको देखिए। इससे अगली बार से ये ना हो, अगर आता नहीं है पढ़िए टॉपिक को, टॉपिक को स्टडी कीजिए, टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद अगर लेंदी था तो कोई बात नहीं, आप एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए कि आपको आता ही नहीं आता, कोई बात नहीं, क्या पता अगली बार से उस टाइप का कुछ शॉर्ट में बन के आ जाए, हो सकता है, तो आप उसको करके देखिएगा। तीसरा है करेक्ट। जब भी करेक्ट के बात आते हैं तो देखते ही नहीं होगा, हाँ भाई सही तो हो गया, भाई हमारे 60 नंबर आ गए, बड़े मजे बल्ले बल्ले। नहीं, आपको इसको भी देखना है कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपके कितने मार्क्स है इसको देखिए कि आपने हर एक क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है। आपके भले ही मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स 40 आ चुके हों, लेकिन आपको देखना जरूरी है कि बाकी नंबर कैसे कटे हमारे, हमने हर एक क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट किया है। सिंप्लीफिकेशन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगना चाहिए, बहुत है। अगर नंबर सीरीज है 30 सेकंड 40 सेकंड बहुत होते हैं। अगर आपका DI है, क्या पता DI में आपने 3 मिनट दे दिया हो तो भाई गड़बड़ वाली बात है। अगर 3 मिनट आप एक DI में दोगे, इससे बेटर है कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो ना। तो यही चीज देखनी है आपको, एनालाइज करना है कि आपने कहाँ पे किस चीज को कम टाइम दिया वो आपको देखना है, या फिर किस चीज को आपने बहुत ही एक्सेस टाइम दे दिया उसको हमें कम करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो हमेशा आपको ऐसा एनालाइज करना है, करेक्शन भी देखना है, स्किप भी देखना है और रॉन्ग भी देखना है। तीनों को देखे, जो नहीं आता उसको टॉपिक को पढ़ना है वापिस से, जो आपने सिली मिस्टेक किया उसको इम्प्रूव करना है, और जहां आपको टाइम कम पड़ रहा है उसको आप देखना है कि भाई बाकी मैंने टाइम कहां ज्यादा दे दिया। तो ये होता है एनालाइज करने का तरीका। और एक कॉपी बनाइए अपनी, उस कॉपी में लिखते जाइए जहां जहां आपको लग रहा है कि भाई इस चीज में या इस टॉपिक में मैंने गलती करी है, आज उसको लिखिए भाई इस चीज में मैंने गलती करी है, यहां यहां मैंने टाइम ज्यादा दिया है, जिससे कि अगली बार उन टॉपिक्स में वो दिक्कत ना हो। फर्स्ट चीज, अटेम्प्ट करने का तरीका आपका ये होना चाहिए, मतलब एनालाइज करने का तरीका। अब बताती हूँ मैं आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें। बहुत बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता कि भाई अटेम्प्ट कैसे करें। अटेम्प्ट का एक भी तरीका होता है, हर चीज की ट्रिक होती है। अटेम्प्ट करने जिसको नहीं आएगा वो कभी भी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट सीखना क्या है कि हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो हम वो सीखते हैं। अब हम वो सीखते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे कि बात करते हैं, पहले रीजनिंग की बात करते हैं। अगर आपके सामने सबसे पहले रीजनिंग चलना आपने करना शुरू किया, तो रीजनिंग को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, रीजनिंग को आप, एक सेकेंड, अगर आपके सामने रीजनिंग आती है, रीजनिंग अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो मेरा सिनेरियो केवल साफ है। रीजनिंग में केवल दो ही चीजें होती हैं, एक होती है पजल और एक होती है स्कोरिंग टॉपिक, दो ही चीज होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं हमेशा रीजनिंग को दो ही पार्ट से बांटती हूँ कि बाकी जो पार्ट बांटने वाली है नहीं, एक स्कोरिंग पार्ट एक पजल पार्ट। अगर आपकी रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब आप हर सवाल को कर पाते हैं, तो आप क्या करें, नंबर वन क्वेश्चन से स्टार्ट करें और लगातार करते जाएं। लेकिन ध्यान देना, मैंने क्या बताया था आपको कि हमेशा पजल में भी एक से दो पजल ऐसी होती है टफ होती है, या फिर जो दो तीन लाइन से बड़ी पजल होती है। अगर आपको कभी भी थोड़ी बड़ी पजल लिखे उसको स्किप करना है, केवल बड़ी पजल को अभी स्किप करना है, पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और उसके बाद अटेम्प्ट करने के बाद उन पजल को वापस से ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपका पजल में हाथ तंग है, तो क्या करोगे, पहले स्कोरिंग को अटेम्प्ट कीजिए, जो पजल है स्किप करते जाओ। और स्किप करते समय भी क्या याद रखना, मेरा ध्यान रखना, पजल का फर्स्ट क्वेश्चन पे जो भी पजल पहला क्वेश्चन होगा उसको मार्क एज रिव्यू टिक करके जाना, जिससे कि आपको वापस से पजल ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। समझ में है, जो भी पजल आप स्किप करते जा रहे हैं उन पे फर्स्ट क्वेश्चन पे मार्क एज रिव्यू टिक लगाते हो जाना, जैसे कि अगली बार जब ढूंढो पजल को ढूंढना ना पड़े आपको। तो पहले आप स्कोरिंग का अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप पजल की हो रहा है, जिसका हाथ तंग है पजल में और जो अच्छे हैं पजल के अंदर, जो दो तीन लाइन की पजल आराम से बना लेते हैं, तो वो साथ साथ पजल और स्कोरिंग टॉपिक साथ में करते जाएं। कि वो स्किप किसको करें, जो लेंदी पजल है, बड़ी पजल है, उसको रीजनिंग पूरा पेपर नहीं, रीजनिंग फिनिश होने के बाद अटेम्प्ट करें।
ये नहीं कि रीजनिंग मैच पूरा खत्म करें तब तक टाइम ही मिलेगा नहीं, अब तक तो आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करने के बाद आप पजल को अटेम्प्ट करें, क्लियर है? ये तरीका है आपका रीजनिंग को अटेम्प्ट करने का, बहुत सॉलिड तरीका है। स्किप करना नहीं सीखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब बात करती हूँ मैं क्वांट की, बहुत दिक्कत आती है क्वांट में, तो ऐसा हिसाब है कि बच्चे पूरा पेपर देख ही नहीं पाते, तो आज मैं दिखाऊंगी कि पूरा पेपर कैसे देखते हैं। जब आपके सामने क्वांट का पेपर खुलेगा तो आपको लिखा होगा क्या कि 19 बज के इतने मिनट रह गए हैं, ये दिखता है 19 बज के 59 मिनट्स आपके रह चुके हैं, ये आपको दिखेगा। अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी खुले आपको क्या करना है, पहले ढूंढना है किसको, सिंप्लीफिकेशन को या फिर क्वाड्रेटिक को या फिर नंबर सीरीज को, जो आ जाए वो करना है इनमें से। अगर आपके सामने पहले अर्थमेटिक खुल के आए, डीआई खुल के आए, स्किप करते जाइए, स्किप करते आए, अर्थमेटिक को भी स्किप कीजिए अभी, डीआई को भी स्किप कीजिए अभी, पहले आप इनको देखिए, जो चीज पहले आ जाए इनमें से उनको पहले अटेंड कीजिए। जैसे कि हमारे ये 15 नंबर पक्के हो जाए, 15 नंबर हमारे पक्के हो जाए, इतना आपको करना है पहले, इसमें छोड़ना ही नहीं, छोड़ना किसमें, अगर नंबर सीरीज में कोई एक सीरीज आती है ऐसी जिसमें आप अगर फंस जाओ, जिसमें आपको 30 से 40 सेकंड लग जाए सवाल को समझने में और फिर भी समझ में ना आए, समझना, अगर किसी सीरीज में आपको 40 से 50 सेकंड लग जाए और फिर भी समझ में ना आए, उसका पैटर्न स्किप कर दीजिए, क्योंकि एक सवाल की वजह से आप बाकी सवाल गलत कर बैठोगे, इसलिए स्किप कर दीजिएगा। बाकी इसको अटेम्प्ट करना, इसको अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने, अब खत्म हो गया। अब बचा आपका अर्थमेटिक और डीआई। जब आप स्किप कर रहे थे, स्किप करते हो जाना, ढूंढना केवल इनको है, पहला क्वेश्चन कोई भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ढूंढना पहले क्या है, इनमें से कोई टॉपिक दिखे, इनमें से कोई एक, जब स्किप करते डीआई बीच में आई होगी, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आगे मिलेगी आपको। डीआई के फर्स्ट क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू टिक करना है, मार्क एज रिव्यू, जैसे कि वो नीले रंग का हो जाता है, नीला या लाल है, शायद नीला रंग का होता है, जब मार्क एज रिव्यू टिक करोगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा और नीले रंग का हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे अगर वहां पर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अब डीआई पे आइए, आपने जब देखा होगा डीआई भी दो तीन टाइप की होती है, एक डीआई तो सर्कुलर होती है, एक डीआई टेबल वाली होती है, एक डीआई इस टाइप की होती है ग्राफ वाली, सबसे इजी ये होती है, उसके बाद ये वाली होती है, फिर ये वाली होती है, ठीक है? आप देखिए जो आपको इजी लगती है, जो आपने डीआई प्रैक्टिस करी हुई है, जो आपको इजी डीआई लगती है पहले उसको उठाइए, इनमें से पहले आप केवल एक डीआई पूरी अटेम्प्ट कर लो, एक डीआई पूरी अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं तो ये बोलूंगी हर एक डीआई के सभी सवाल इजी होते हैं, एक एक को छोड़ के, इसमें भी एक टफ होगा, इसमें भी एक टफ होगा, इसमें भी एक टफ होता है, बाकी सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं आपके, तो अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आपको जाना है अर्थमेटिक के ऊपर, अगर आपका डीआई स्ट्रांग है तो, अगर आपका डीआई वीक है मेरी तरह से, तो मैं पहले अर्थमेटिक अटेम्प्ट करती हूँ और फिर डीआई भी जाती हूँ, तो आपको अटेम्प्ट करना है कि आपको स्ट्रांग पोर्शन कैसे है। लेकिन सबसे पहले आपको ये 5 क्वेश्चन, ये 15 सवाल है ये अटेम्प्ट करने हैं, इनके बाद आपको जाना है इनके ऊपर। अगर आप ये अप्रोच रखोगे तो आप पूरा पेपर देख भी पाओगे, अटेम्प्ट भी कर पाओगे और स्कोर भी कर पाओगे। बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं जो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, तो ये तरीका था कैसे हमें मॉक टेस्ट को देना है, कैसे एनालाइज करना है और फिर कैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, सभी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, कहाँ से आपको देना है। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, अपने बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए। देखो ये चीज़ ऐसी है जो आपके हमेशा काम आएंगी, आप कभी भी टेस्ट दोगे हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, तो जितने भी साथी हैं जो भी आपको मॉक टेस्ट देते हैं या फिर जो बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं उन सबको बताइएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा उनके लिए भी रहेगा। सब्सक्राइब शेयर और लाइक का बटन जरूर दबाइए। टेक केयर, बाय बाय।